What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद भटीजा. कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really good and I am finally shooting a video for my channel after 2 weeks. जैसे मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था कि मैं लास्ट 2 वीक्स में वीडियो शूट नहीं कर पाया हूं बिकॉज हम लोग शिफ्ट हो रहे थे एंड फाइनली वी आर डन शिफ्टिंग. एंड आज का जो वीडियो का जो आइडिया है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था बिकॉज मेरे साथ आज मेरी बहन अपने चैनल के लिए शूट कर रही है. हाय पूजा. हाय. उसके हाथ में कैमरा है. सो द प्लान वॉज आज ही अपने चैनल में जो चीज़ शूट करने वाली है, चीज़ शूटिंग घाटकोबर का वीडियो, उसमें वो एक ऐसी चीज़ शूट करने वाली है जो मैंने आज तक नहीं खाई है. और गाइस इस वीडियो का जो थीम रहेगा इज गोइंग टू बी बेसिकली अ सीरीज जो मैं अपने चैनल पे अभी स्टार्ट करने वाला हूँ. इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम और सीरीज. अब फर्स्ट टाइम और सीरीज क्या है मैं आपको समझाता हूँ. आज तक लाइफ में मैंने जो भी चीज़ नहीं खाई है, आज तक लाइफ में जो चीज़ मैंने पहले कभी नहीं खाई है, जब मैं वो चीज़ फर्स्ट टाइम खाऊंगा तो मेरा रिएक्शन कैसा रहेगा उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा हर बार. जैसे आज मैं जो चीज़ खाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जो मैं खाने वाला हूँ, इज गोइंग टू बी जलेबी फाफड़ा. इज गोइंग टू बी एन आइकॉनिक गुजराती स्नैक जो मैं पहली बार लाइफ में खाने वाला हूँ. क्योंकि ये आज घाटकोबर स्ट्रीट फूड कर रही थी, इसने जलेबी फाफड़ा चूज़ किया था. एंड जैसे ही मैंने सुना कि जलेबी फाफड़ा ये करने वाली है, आई थॉट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइम अ सीरीज विद दिस वीडियो इटसेल्फ. सॉरी गाड़ी हिल रही है, आराम से भाई. ओ भाई ओ जोर से बोल. सॉरी बोल रहा है. ओके सो आई थॉट यार इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा टू स्टार्ट यू नो आवर फर्स्ट टाइम और सीरीज. एंड आज हम लोग जलेबी फाफड़ा खाने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑल्सो गाइस सिर्फ जलेबी फाफड़ा ही नहीं, इस सीरीज में मैं जो भी चीजें फर्स्ट टाइम खाऊंगा उसके जेन्युइन रिएक्शंस आपको इस सारे सीरीज में देखने मिलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. नाउ वी आर गोइंग टू घाटकोपर ट्राइंग द जलेबी फाफड़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मुझे एक बात बता, जब तूने सबसे पहले जलेबी फाफड़ा खाया था तेरा क्या रिएक्शन था? और तूने जब फर्स्ट टाइम खाया था याद कर रही हूँ, 1.5 साल हो गए. तो फिर भी तूने थोड़ा तो याद रहेगा. अगर जलेबी फाफड़ा गरम गरम खाएंगे ना हाँ तो उसका मजा अलग आता है, बट अगर हम पास लेके गरम करी खाएंगे ना तो थोड़ा सा मतलब ना सॉगीनेस लगता है उसमें. मैंने अहमदाबाद में वो जगह पे खाया था जहाँ पे जलेबी फाफड़ा एक्चुअली बहुत फेमस है. मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 1.5-2 साल हो गया वो खाए, बट बहुत डिलिशियस था. जलेबी इतनी स्वीट नहीं थी और फाफड़ा ऐसे बहुत क्रिस्पी था. सबसे बेस्ट बात थी कि हमें पपाया की चटनी मिली थी उसके साथ, विच टेस्टेड डिलिशियस. सो लेट्स होप हमको ही पपाया की तो लेट्स होप हमको ही पपाया की चटनी इधर मिले, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस और यू नो क्या है भाई. You're covering my face. हाँ तो ठीक है, तो जो भी ये लोग पपाया चटनी बोल रहे हैं आई होप मुझे मिले क्योंकि यू नो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं. और जलेबी फाफड़ा के पीछे कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ. और मैंने जलेबी फाफड़ा पहली बार कहाँ सुना और मैंने आज तक जलेबी फाफड़ा क्यों नहीं खाया वो भी आपको सबको बताऊंगा. स्टे ट्यून, लेट्स रीच घाटकोपर फर्स्ट. ऑल्सो गाइस जलेबी फाफड़ा के बारे में पहली बार मुझे मालूम पड़ा था फ्रॉम वेरी ऑब्वियस प्लेस, फ्रॉम दिस टीवी शो जो हम सबको पसंद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सबसे पहली बार मैंने जलेबी फाफड़ा खाते हुए देखा था जेठालाल को. अब मैंने काफी मैं जब छोटा था तब देखा था, अराउंड 2011-12 में जब मैं अराउंड 9-10 स्टैंडर्ड में था तब देखा था. यू शुड जस्ट वॉच दैट शो. लेकिन मैंने कभी खाया नहीं था, उसके बाद भी मैंने कभी खाया नहीं था. जहाँ मैं पहले रहा करता था उल्लासनगर में, वहाँ पे मुझे कहीं भी इतना अच्छा गुजराती फूड काइंड ऑफ कहीं नहीं मिलता था, तो यार खाने का कभी मौका ही नहीं मिला. लेकिन आज लकीली क्योंकि हम लोग घाटकोपर जा ही रहे हैं एंड घाटकोपर इज़ अ पैराडाइज फॉर मेनी गुजराती पीपल. इनफैक्ट घाटकोपर में काफ़ी गुजराती लोग रहते हैं, यू गेट अ डिलिशियस अमाउंट ऑफ गुजराती फूड हियर इन घाटकोपर. से सोचा जा ही रहा हूँ तो ये ट्राई कर ही लेते हैं. सब भाई स्ट्रगल होते हैं पीछे शूट करने के. अभी इनका ये जगह होने के बाद हम लोग अपने जलेबी फाफड़ा खाएंगे. एक्चुअली जलेबी फाफड़ा जहाँ हम खाने वाले हैं वो जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर है. अगर मैंने सोचा इसकी एक दो प्लेस कवर हो जाए, आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स दिखा देता हूँ इसके शूट का, उसके बाद हम लोग मस्त जलेबी फाफड़ा खाएंगे. बहुत भूख लग रही है. सो हमारे जलेबी फाफड़ा आ चुके हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी शॉप दिखाया घाटकोपर का, बहुत ही फेमस क्या नाम था, पुरुषोत्तम दामोदर भाई मिठाई वाला है, अगर मैंने नाम सही लिया हो. बहुत फेमस है ये ऑल ओवर मुंबई इनके ब्रांचेस. वी आर फाइनली हैविंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जलेबी फाफड़ा. मैं आपको दिखाता हूँ ये सब निकाल के.
These are their jalebis. ये बहुत गर्म है. ये पूरा बॉक्स ऑफ फाफड़ा. एंड आई गेस ये इनका अचार और समथिंग. आई हैव नो क्लू व्हाट दैट इज. ये इनकी मिर्ची है. लेट्स टेस्ट. ऑल्सो ऐसे काइंड ऑफ फर्स्ट टाइमर्स काइंड ऑफ सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पर. दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ. द सीरीज इज न्यू. दैट्स व्हाट आई मीन. ओ भाई, जलेबी के ऊपर हल्का सा केसर था और ये जलेबी ये लोग ने हमारे सामने ही बनाई है. और अभी खोलेंगे पापड़ा. गाइस, जो भी चीज़ें हम ला रहे हैं ये लोग खुद बनाते हैं. इनकी बेकरी होती है अंदर. दिस इज देयर फाफड़ा. लेट्स टेस्ट दिस. क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कि दोनों एक साथ खाते हैं या पहले फाफड़ा लेते हैं फिर जलेबी लेते हैं. लेट्स सी. पूरा तूने कैसे खाया था? साथ में खाया था. इसमें से ना बहुत एक मस्त खुशबू आ रही है. जीरा जो होता है ना उसकी खुशबू बहुत मस्त आ रही है. चलो इसको ट्राई करते हैं. खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है. दोनों एक साथ ही खा के देखूं कि पहले फाफड़ा खाऊं फिर जलेबी खाऊं. साथ में खाऊं कैसे? ऐसे खाऊं? फाफड़ा है ना उसके ऊपर जलेबी रख ऐसा. हां, लाइक अ पिज्जा टॉपिंग. हां ठीक है, हम उसको ऐसे रख के खा रहे हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूं तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली किसी को नहीं रहता. भाई बहुत जबरदस्त चीज है. मतलब यहाँ तो जलेबी खाओ अगर यहाँ तो फाफड़ा खाओ वैसा मजा नहीं आएगा. दोनों एक साथ एक टाइम पे मुंह में जाएगा ना फिर ही मजा आएगा यार. ये बहुत अच्छा. मुझे सो गुड. कभी कभी रिग्रेट होता है ना कि आप कोई चीज लाइफ में कितनी लेट खाते हो. जैसे मैंने आपको बताया था मैंने लाइफ में मोमोज बहुत लेट खाए थे, वैसे ही जलेबी फाफड़ा आज 2020 में पहली बार खा रहा हूँ. जज कर सकते हो, करना तो करो यार, अभी कोई बात नहीं. बट दिस देर है दुरुस्त है वैसा काइंड ऑफ सीन हो गया. मैं पूरा गिर गया मेरे आंखों पता. बट दिस इज स्टनिंग. मजा आ गया भाई खा के. मुझे समझ में आया कि जेठालाल को हर संडे को फाफड़ा जलेबी चाय के साथ क्यों चाहिए. हमेशा सिर्फ देखता ही था कि उनको संडे को चाहिए चाहिए चाहिए. बट आज खाने के बाद रियलाइज हो रहा है कि भाई जेठालाल यूज्ड टू लव जलेबी एंड फाफड़ा. आल्सो खाखरा. खाखरा भी हाँ, बट ये जो चीज है ना बहुत जबरदस्त है. बट ओवरऑल तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गुजराती फूड कैसा रहा? मतलब अरे भाई बहुत ही जबरदस्त. जितना मैंने सुना था गुजराती are mainly known for their delicious sweets. बहुत उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में. खाने के बाद मुझे समझ आ रहा है. ऑल्सो ये फाफड़ा पापड़ी खाई है बट ऑब्वियसली पापड़ी और फाफड़ा दोनों सेम नहीं होते. मुझे बचपन में लगता दोनों सेम चीज़ है. दोनों सेम चीज़ नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा अलग है. ये तो गुजराती इसका स्टार्टर पैक है, मतलब सुबह को सिर्फ ये खाते हैं. वही तो मैंने इतने साल तक पता नहीं कैसे नहीं खाया. रिग्रेट है और अभी और खाना है लाइफ में आगे. और तो एक चीज़ मैं भूल ही गया यार, जलेबी फाफड़ा खाऊं और पपैया की चटनी ना खाऊं हो ही नहीं सकता. एक्चुअली चटनी नीचे पड़ी हुई थी, किसी का ध्यान नहीं गया. लास्ट में क्या ध्यान, तो ये मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया है. पपैया का क्या बोलते हैं उसको सांबा. पपैया चटनी है ये. पपैया चटनी ये मैं उसको सिर्फ फाफड़ा के ऊपर डाल के खा रहा हूँ. ये भी मैंने पहले कभी खाई नहीं है. ओके मतलब इतना ज्यादा कुछ यू नो कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है. ना ज्यादा खट्टा है ना मीठा है ना कोई तीखा है. बहुत प्रॉपर बहुत ही सिंपल लग रही है मेरे को ये. बट हाँ, अगर मैं इसको तीनों एक साथ खाऊंगा ना, फाफड़ा जलेबी और ये पपैया की चटनी, तो मजा आएगा यार. जबरदस्त था यार. Love this. So this was it for my today's video. Jalebi Fafra for the first time. बहुत मजा आया ये वीडियो करके. And this was something new that I did for the first time onto my channel. As I told you, this is a part of a series. First time a series. इसमें हम लोग और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं first time खाऊंगा life में वो cover करने वाले हैं.
और अगर कोई ऐसी उठपटांग चीज है जो बहुत रेयर मिलती है और आपको लगता है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन तो आपका ही है यार, जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम वो चीज डेफिनेटली सीरीज में करेंगे। तब तक आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पीस एंड सी यू।